ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करें। तो हमारा जो चल रहा था मॉल कॉन्सेप्ट ही चल रहा है अभी, ठीक है, स्टार्ट ही लास्ट क्लास में हुआ है, क्या होगा। अब मॉल कॉन्सेप्ट में हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी, मतलब डेंसिटी के बारे में देख लेते हैं भाई, सॉलिड लिक्विड गैस के लिए डेंसिटी किस तरीके से लेते हैं, या गैस के लिए डेंसिटी कैसे लेते हैं, एक वेपर डेंसिटी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। चलो सबसे पहले होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, मतलब वो डेंसिटी जो एकदम फिक्स्ड होती है किसी के लिए। दो तरीके से हो सकती है, तो सॉलिड की हो सकती है या लिक्विड की, या फिर गैस की हो सकती है। सॉलिड और लिक्विड की क्या होगी डेंसिटी, इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास ग्राम में और वॉल्यूम एमएल में होगा। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ग्राम पर एमएल, क्या हो जाएगी, ग्राम पर एमएल, जो कि हम नॉर्मल पढ़ते आ रहे हैं भाई, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास ग्राम में रखेंगे, वॉल्यूम एमएल में रखेंगे, तो यूनिट आ जाएगी ग्राम पर एमएल। लेकिन गैसेस के लिए डेंसिटी आती है इस तरीके से, डी इज इक्वल टू पीएम अपॉन आरटी। ये कैसे आई है, आप एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ोगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वहां से आई है। कैसे आई है, पी इज इक्वल टू एन बाय वी इंटू आरटी, एन बाय वी को क्या लिख दिया, डेंसिटी लिख दी। एक सेकेंड, पहले नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, मतलब मास अपॉन मोलर मास, यहाँ पे वी है, ये छोटा मास है, यानी कि वेट बाय मोलर वेट, तो पी कितना आ गया, एम बाय वी इंटू आर टी बाय एम, ये क्या हो गया, डेंसिटी। तो पी इज इक्वल टू डी आर टी बाय एम, तो क्या हो गया, पी एम बाय आर टी इज इक्वल टू डी, ठीक है, डी आर टी, पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, डी पी एम, इस तरीके से भी आ सकते हैं। क्लियर, पी यहां पे जो है वो प्रेशर है, क्योंकि गैस है ना, गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। एम जो है वो मॉलिक्यूलर वेट है, टी जो है वो टेम्परेचर है, और R जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, गैस कांस्टेंट बोलते हैं हम इसे, क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। क्या हो, गैस कांस्टेंट, ठीक है, और D अपनी डेंसिटी हो गई, क्या हो, डेंसिटी, तो D डेंसिटी हो गई, P जो है प्रेशर हो गया, M जो है मॉलिक्यूलर वेट हो गया उस गैस का, और टी जो है टेम्परेचर हो गया, और आर जो है एक गैस कॉन्स्टेंट हो गया, क्या हो गया, गैस कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से पढ़ोगे तभी होगा, खाली एनसीईआरटी के, ये नहीं कि एनसीईआरटी में जो कुछ लिखा है सारा वही पढ़ना है, खाली कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड करने हैं तो पढ़ने पड़ेंगे ना। हाँ याद है पुलकित शुक्ला, वहां पे पंकज शुक्ला, यहाँ पे पुलकित बन जाते। गैस वाला ऐसे है कि PV is equal to nRT, आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी एक, वो होती है PV is equal to nRT, n क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मोलर मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट है जो m, उसे डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से, वॉल्यूम को इधर रखेंगे, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी d, RT अपॉन m, इस तरीके से, तो PM is equal to RT आ गया d, मतलब डल्टी पीएम आ गया, क्या आ गया, डल्टी पीएम, इस तरीके से याद रख सकते हो इसे, इस तरीके से कि डल्टी पीएम, दैट इज डी आर टी इज इक्वल टू पीएम, ठीक है, ये याद करने के लिए, लर्न करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो, डल्टी पीएम, डल्टी पीएम, इस तरीके से, इस तरीके से याद रख लो, डेल्टी पीएम के थ्रू डी आर टी इज इक्वल टू पीएम, जहां पे डेंसिटी है ये डी, ठीक है बस। हाँ गंदा पीएम के, इस तरीके से याद रख लो,
एन जो है नंबर ऑफ मोल्स है, ये यहां पे जो लिखा है ना एन जो है नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स किसी गैस के लिए, ठीक है, क्लियर। ये हो गया डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड के लिए। गैसेस के लिए ये वाली इक्वेशन लगेगी जब भी हम डेंसिटी निकालेंगे, डी आर टी इक्वल टू पीएम, डेल्टा पीएम इस तरीके से। चलो क्लियर एकदम, आगे बढ़ते हैं फिर। अरे वो याद करने की ट्रिक है, नहीं याद करना, मैं ये मिटो देता हूँ डायरेक्ट, ऐसे याद रख लो बस, सिंपल सी बात है। एम बाय वी मतलब मास बाय वॉल्यूम मतलब डेंसिटी होता है, ये डेंसिटी हो गया, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसे इसलिए डेंसिटी लिखा, डी लिखा, ठीक है। ठीक है, हेल्प करो भाई, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या ही समझते हैं। चलो अगला बात करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। वो थी एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी मतलब जो किसी पर्टिकुलर सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए या गैस के लिए हमने समझी। अब हम समझते हैं रिलेटिव, रिलेटिव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में, मतलब जैसे मैं बोलू कि यहाँ पे कोई बच्चा है वो उसके रेस्पेक्ट में, वो उसके रेस्पेक्ट में क्या है, अच्छा है पढ़ाई में या बेकार है, तो एक रिप्रेजेंटेशन के लिए कि इसके रेस्पेक्ट में ये बच्चा है अच्छा है, इसके रेस्पेक्ट में ये अच्छा बच्चा नहीं है, तो उसे बोलते हैं रिलेटिव, एक तरीके से रिलेशन में बताना डेंसिटी को। अभी हम उसका ही यूज करेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी में सबसे पहला सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो ऐसे निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड उसकी एब्सोल्यूट डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और अच्छी बात यह है कि ये वैल्यू होती है 1, मतलब वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 होती है, ये 1 हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, डेंसिटी जो है वो बराबर हो गई एब्सोल्यूट डेंसिटी के। मतलब कि पिछले वाले में जो एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालेंगे वो ही रिलेटिव होगी सॉलिड और लिक्विड के लिए, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस 1 होती है, तो हमारे लिए काम आसान हो गया। जब भी सॉलिड और लिक्विड के लिए एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालोगे वही उसकी रिलेटिव डेंसिटी होगी, ठीक है, आ रहा समझ में। बेटा वो एक तरीके से उसको रेफरेंस लेते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर की डेंसिटी लेंगे, ठीक है, ये माना गया है, मतलब ठीक है, साइंटिस्ट ने डिफाइन ही उस तरीके से करा है कि इसके 4 डिग्री सेल्सियस पर ही लेकर डेंसिटी ऑफ वाटर की ले हो, क्लियर एकदम, इस तरीके से ऐसा है। ठीक है, यदि हम गैस की बात करें तो गैस क्या होती है, डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रेस्पेक्ट टू अदर गैस, डेंसिटी ऑफ गैस मतलब एक गैस की डेंसिटी दूसरे के एक डेंसिटी के रेस्पेक्ट में, उसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। जैसे कि पहली जो गैस है उसकी डेंसिटी क्या होगी, हमने पिछली उसमें देखी क्या देखी, पीएम अपॉन आरटी, मतलब पीएम अपॉन आरटी डिवाइडेड बाय यहां पे भी पीएम अपॉन आरटी, क्योंकि टेम्परेचर और आर की वैल्यू सेम होगी भाई, सेम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और प्रेशर भी सेम होगा, तो डिफरेंट क्या होगा, बस मास डिफरेंट होगा, तो आ जाएगा एम वन बाय एम टू। यहां पे एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अनदर गैस, वेट ऑफ अनदर गैस, क्लियर है, ये हो गई रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैस या सॉलिड के लिए।
मतलब कि जो रिलेटिव डेंसिटी होगी वो एब्सोल्यूट डेंसिटी के बराबर होगी सॉलिड और लिक्विड के लिए, लेकिन गैस के लिए वो क्या होगी, एक एक गैस का मॉलिक्यूलर वेट को यदि दूसरे की गैस के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ जाएगी डेंसिटी, वो भी रिलेटिव डेंसिटी, किसके लिए, गैस के लिए। इस तरीके से होगा, माइनस फाइव लेंगे तो क्या होगा बेटा, माइनस फाइव लेंगे तो साइंटिस्ट तो कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि उन्होंने उस चीज पर डिफाइन ही नहीं किया है। ठीक है, कुछ चीज को समझना होता है, ना कि उसके ऊपर उंगली करी जाती है कि अच्छा हम तो ये ले लें। अब तेरे मानने से क्या होगा, तू है कौन ये बता। अब तो कल को कहने लगे कि जीरो डिग्री सेल्सियस की जगह पानी, तो हम कहेंगे भाई माइनस हंड्रेड पे हो रहा है, तो कौन मानेगा तेरी बात को, कैसे मानेगा बताओ। तो यदि किसी की कोई बात मानी जा रही है तो उसके पीछे का कुछ लॉजिक है, समझे। इस तरीके से होता है, तो गैस वाले में हम हाइड्रोजन का मास या तो नहीं लेंगे, फॉर्मूला मास ऑफ गैस बाय टू आ जाए। अभी बेटा गौरव में चल रहा हूं, आगे बढ़ूंगा तो बताऊंगा, वेट करो थोड़ा। ठीक है, हर टेम्परेचर पर देखकर उन्होंने अच्छे से सोच समझकर तब वैल्यू निकाली गई है, ऐसे नहीं कि अच्छा मेरा मन कर रहा है चार ले लूं मैं ले लूं, जैसे तुम्हारे मन में कभी आ रहा है भाई सौ ले लो, हजार ले लो, पांच सौ ले लो, दो हजार ले लो, लाख ले लो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो ये हो गई रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड के लिए, और साथ ही साथ गैस के लिए भी हमने बात कर ली। आगे बढ़ते हैं, अगली बात आती है वेपर डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट है काफी, पिछले वाली थी वो सब आपको समझने के लिए। अच्छा रिलेटिव डेंसिटी क्या है सॉलिड लिक्विड के लिए, गैस के लिए क्या है, एब्सोल्यूट क्या है उसके लिए एब्सोल्यूट क्या है, लेकिन ये वाली काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम लेते हैं योगिता। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, क्या कह रहे हैं, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस, कैसे करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PM अपॉन RT, भाई वही इक्वेशन यूज करेंगे डर्टी PM वाली, PM अपॉन RT, RT से RT, P से P गया, तो क्या आ गया M, यानी मॉलिक्यूलर वेट आ गया, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट किसका, H2 गैस का, H2 गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, दो होता है, तो वेपर डेंसिटी आ गई कितनी, मॉलिक्यूलर वेट बाय टू, मॉलिक्यूलर वेट बाय टू, इसे सब लिख लो अच्छे से। ठीक है, वेपर डेंसिटी वी टी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वी डी। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, आप दूसरी बुकों में देखोगे इसका एक और नाम होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं इसे। ठीक है, आपको दूसरी बुक में किसी में देखने को मिल जाए, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसका एक नाम होता है। क्लियर है, हाँ, H2 गैस ही होता है भाई, कैसे कैसे सवाल करते हो बस तुम, मतलब गजब। H2 गैस नहीं है, हाइड्रोजन गैस नहीं है, हाइड्रोजन किसने कहा आपको, हाइड्रोजन सॉलिड है, हाइड्रोजन लिक्विड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन की, मतलब कितना हिस्सा परसेंटेज, जैसे आपने दवाई देखी होगी ना उसके ऊपर लिखा रहता है, अच्छा इसमें इतनी परसेंट कंपोजिशन है, इतनी परसेंट चीज से ये मिलके बना है। बर्निंग के कारण, हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होगी, कि वो स्पेसिफिक का बात ही होती है कि किसी के रेस्पेक्ट में ली गई है। बेटा एबीसी उन सबके सॉल्यूशन भेज दिए जो तुझे आसान लग रहे होंगे सारे के सारे, तो सबके सॉल्यूशन अपने हाथ से लिख के मेरे को सेंड कर देना टेलीग्राम पर। ठीक है, चलो परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें, तो परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम निकाल सकते हैं मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का पर्टिकुलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन मोल ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, मतलब कोई एलिमेंट का मास कितना होगा उसके अंदर, डिवाइडेड बाय उसको डिवाइड कर दो मास ऑफ वन मोल ऑफ कंपाउंड से,
और उसकी मल्टीप्लाई 100 में कर दो, तो उससे हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर? नहीं, इनका डेरिवेशन नहीं आएगा और ये बोर्ड की क्लास नहीं है, ठीक है ध्रुव? ये बोर्ड की क्लास है यार, कॉम्पिटिशन की क्लास है ना, तो इसमें अंदर जो मैं करा रहा हूँ वो बोर्ड में क्यों आएगा? हाँ मुझे पता है किसको कितना ज्यादा डीप में पढ़ना है, मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कोई चीज, ठीक है? ठीक है, चलो अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, कोई गैस है उसकी वेपर डेंसिटी हमें कितनी दे दी? 22 दे दी। क्या दे दी? 22 हमें वेपर डेंसिटी दे दी। हमें क्या बताना है? मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। तो मॉलिक्यूलर मास mm कितना आ जाएगा? 2 इंटू वीडी 2। वेपर डेंसिटी कितनी है? 22 है, तो कितना आ गया? 44 ग्राम आ गया। क्या आ गया? 44 ग्राम आ गया। तो आंसर इसका बी हो गया। इस तरीके से सोल्व करेंगे, सिंपल न्यूमेरिकल है बिल्कुल। हाँ खराब हो रही होगी, पता नहीं तुम्हारे में क्या हो रहा है, फोन में दिक्कत है मेरे ख्याल से तुम्हारे, ठीक है? तो इसका आंसर बी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताओ। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन, ये 2019 मेन में आया है। क्या पूछ रहा है? कार्बन बताओ बाय मोल इन मीथेन। क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा? परसेंटेज कंपोजिशन, कार्बन कितना परसेंट है इसके अंदर? CH4 है, CH4 के अंदर कितना कार्बन? एक कार्बन और चार हाइड्रोजन, तो एक कार्बन हो गया डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितने हैं? 5 × 100, तो क्या आ जाएगा? 20% आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। मतलब कार्बन बाय मोल कितना है मीथेन में, तो कार्बन का जितना परसेंटेज है यानी एक मोल होगा कार्बन का और टोटल मोल है 5, 4 इसके 1 इसका, तो टोटल 5 हो गए, टोटल मोल 5 हो गए ना, इसलिए इस तरीके से आएगा ये आंसर। क्लियर एकदम? हाँ 20% आएगा, ठीक है? आसान था क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखेंगे इसमें परसेंटेज कंपोजिशन के ऊपर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द परसेंटेज वेट ऑफ जिंक इन व्हाइट विट्रोल, व्हाइट विट्रोल नाम का कोई कंपाउंड है जिसका है फॉर्मूला ZnSO4.7H2O, ठीक है? ये है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना इसमें परसेंटेज वेट होगा जिंक का? तो जिंक का परसेंटेज वेट कितना होगा? जितना इसके अंदर जिंक का मास है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ पेट्रोल इन 200। अब जिंक का कितना है दे भी रखा है, 65 डिवाइडेड बाय, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो। यहाँ पे देखो निकाल रहा हूँ मैं मॉलिक्यूलर वेट, क्या निकाल रहा हूँ? जिंक एक है तो 65 प्लस सल्फर है, सल्फर यहाँ पे 32, तो 32 प्लस ऑक्सीजन 4 ये 7 ये कितने हो गए? चलो एक एक करते हैं, 4 × 16 प्लस 7 × 2 14 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितने 7, तो 7 × 16 65 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 14 प्लस 42 4 और 112, ठीक है? क्या हो जाएगा? 112 हो जाएगा, 65 32 64 14 और 112,
है 65 32 14 112 ऐड कर लो इसे, 5 2 7 और 4 11, 11 और 6 कितने हो गए 17, एक ऊपर 6 7 और 3 10 और 6 16 17 18, तो ये आ गया 287, 287 ग्राम आ गया। यहाँ पे रख दो 287 इंटू 100, क्या हो गया 6500 डिवाइडेड बाय 287। सोल्व करूंगी अब, कैसे करेंगे सोल्व करेंगे, चलो करते हैं 6500 287 से करो, कितने पे 2 पे जाएगा, 2 पे 14 1 16 17, एक और हो गया उधर 5, ये कितना हो गया 26 और 5 76 360, तो ये दोबारा जाएगा कितने पे, ये जाएगा मेरे ख्याल से 2 पे 3 पे चला जाएगा, क्या देखते हैं 7 3 21 3 2 24 26 2 5 2 7, लगभग 2 पे जाएगा 574। कितना बचा यहाँ पे 74 में 26 एक बच गया और 600 160 186 जीरो पॉइंट। अब कितने पे ले जाओ इसे, इसे ले जाओ 6 पे 7 6 42 चार और 8 6 8 48 और 4 उधर का तो 52, 5 12 और 5 17, तो इस तरीके से लगभग ये सोल्व हो गया 22.6% आएगा, तो आंसर क्या हो गया इसका डी हो गया 22.65 इसका आंसर आ गया, इस तरीके से सोल्व करेंगे, क्लियर है, इस तरीके से करेंगे बच्चों। ठीक है डी आंसर हो गया, क्लियर एकदम। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑफ पर्टिकुलर गैस मिक्सचर इज दिस, मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन और मास ऑफ नाइट्रोजन का क्या दिया है, रेशो दिया है, यानी कितना दिया है रेशो 1/4, और हमें बताना है रेशो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, नहीं मॉलिक्यूल्स नहीं नंबर ऑफ, रेशो ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तो रुक जाओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यही बताना है शायद, एक बार निकाल के देखेंगे कैसे आता है, मास ये हो गया तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, क्या होगा मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, तो क्या आ गया मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इनटू ये ऊपर गया तो क्या आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू डी बाय ओ बाय एन, कितना 1/4 इंटू मास ऑफ नाइट्रोजन 14 16, तो लगाओ 7 और 2 कितना आ गया 7/32, तो आंसर क्या हो गया आपका सी हो गया, क्या हो गया सी हो गया, इस तरीके से अरे 1/8 नहीं आएगा ये आएगा भाई, 1/8 क्यों निकाल रहे हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने मोल्स निकाल लिए ये आ गया, अब मोल्स को यदि एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो आ जाएंगे, ऊपर भी एन से मल्टीप्लाई करके नीचे भी करोगे तो 7/32 ही तो आएगा, क्लियर है, तो 7/32 का आंसर हो जाएगा, ठीक है
सेवन बाय 32 हो जाएगा, ठीक है नित्या? नहीं भाई कृष्णा आपका गलती है भाई, बांसुरी सही तरीके से नहीं बजी। ठीक है सही तरीके से बजाओ भाई, क्वेश्चन की सही तरीके से सोल्व करो। अरे रिपीट इसमें देख मैं बताता हूं, मास दिया है आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो कितना दिया है, 1/4 मतलब 1/4। हमें बताना है नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पिछली क्लास में बताया था, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। मास की वैल्यू यहाँ पे आगे सोल्व करा, ऊपर वाली वैल्यू नीचे के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गई, मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू मास मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इंटू मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मास और नाइट्रोजन का मास का रेशियो आपको दिया है 1/4 मैंने रख दिया। मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 14 होता है तो 14 रखा है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है तो 16 रखा है। थोड़ा सोल्व करा तो 7/32 आ गया, 7/32 आपका आंसर आ गया। क्लियर? हाँ नंबर ऑफ मोल्स मैं वही तो बता रहा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये बात समझ में आती है? तो यदि मैं दोनों तरफ NA से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, NA से मल्टीप्लाई ऊपर भी करूं नीचे भी करूं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो आएंगे। निकाल लेते हैं, चलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं इस तरीके से, तुम्हें वैसे पूरा ही करना है तो कैसे करेंगे देखो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ नाइट्रोजन इनटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्यों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर होते हैं, क्यों, एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए होता है, हमें n निकालना है तो n इंटू एन ए हो गया ना, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर इस तरीके से करेंगे, n से n ए गया तो आएगा तो 7/32 ही ना, इस तरीके से होगा बेटा। वो मैं बोल दिया था, मैंने लिख भी दिया है देखो, 7/32 हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का रेशो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन के रेशो के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन दैट द अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 54 56 57 इतनी इतनी परसेंट है, 2009 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एटॉमिक मास बताओ आयरन का, 54 Fe कितना परसेंट है, 5%। जो 56 Fe है वो कितना परसेंट है, 90% है। तीसरा क्या है, 57 Fe ये कितना है, 5%। तो हमें बताना है एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास का है या एटॉमिक मास का है, बात एक है क्योंकि आइसोटोप एग्जिट करेगा तो उसके लिए एवरेज करके निकालते हैं। क्लियर? तो क्या हो गया, 5/100 इसका कितना परसेंट है, 5/100 इंटू 54 कितना मास है इसका, प्लस 90/100 इंटू 56, क्यों, 90% प्रेजेंट है, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करा, 56 इसका वेट है तो 56 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 5% है तो 5/100 इंटू 57 सोल्व करो, 100 को एलसीएम ले लू, 54 इंटू 5 प्लस 90 इंटू 56 प्लस 5 इंटू 57 सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ये क्या हो गया, 5 4 20 और 2 270 आ गया, प्लस 9 6 54 5 और 45 4 590 प्लस 35 3 और 25 और 3 28
ठीक है, इसे आप सोल्व करेंगे। ये 9.5 सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर, तभी आंसर आएगा, सोल्व कर लेना। ठीक है, पचपन पॉइंट 95 आएगा। ठीक है, हाँ बी हो जाएगा इसका आंसर। ये पांच अलग, अच्छा हाँ 5040। यहाँ पे 5040 लिखना भाई, ठीक है तब हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद आ रहा हो पॉइंट के बाद अलग डिजिट आ रहा हो तो एक बार चेक करो भाई, तुम्हारा कुछ आंसर गलती होगा, क्योंकि आएगा ये 55.95 ये आंसर इसका, क्लियर है। अच्छा 55.95, चलो ठीक है, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 3.4 ग्राम अमोनिया गैस एट एसटीपी। वेट दे रखा है कितना है 3.4 ग्राम, हमें क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो लास्ट क्लास में क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, या मोलिकुलर वेट भी बोलते हैं उसे, कितना हो जाएगा 3.4 मास है, मोलिकुलर मास कितना होगा इसका, अमोनिया, अमोनिया यानी NH3, तो कितना होगा 14 + 3 = 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17, यहाँ 10, क्या हो गया ये 2/10, ठीक है 2/10 हो गया, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स हम इस तरीके से भी तो निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये दोनों क्या है नंबर ऑफ मोल्स है तो बराबर रख दो ना, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इज इक्वल टू 2/10, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या आ गया 2/10 इंटू 22.4, यानी ये 5 से गया ये 10 नीचे आएगा, ये 5 से आधा ये 112 से 5 से डिवाइड कर दो, अब 112 को 5 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 1 साथ काट दोगे तो कभी कोई ना, तुम्हारे पे दोबारा काटते हैं धीरे धीरे, 2/10 इंटू 2 ये, तो ये आ गया 2 × 2.24, इससे इसे काटा तो क्या आ गया 2.24, तो ये आ गया 4.48, इस तरीके से करो आंसर आसान से आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, डी हो गया इसका आंसर इसलिए, ठीक है क्या हो गया डी हो जाएगा। अरे 22.4 कैसे आ गया, ये आएगा आंसर, फोर
अरे समझाई तो रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स इससे निकाले मास बाय मोलर मास, मास ये हो गया 34, 3.4, बल्कि जो मोलर मास है वो 17 होता है अमोनिया के लिए, तो डिवाइड करा 2/10 आया। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4, ये भी नंबर ऑफ मोल्स का है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स का है, दोनों को हमने रख दिया बराबर, तो वॉल्यूम ऑफ गैस आ गया 2/10 × 22.4, आंसर आ गया 4.48 लीटर। क्लियर है, इस तरीके से होगा। हाँ ml होता, मतलब ml यहाँ पे आंसर ml से होता तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई करके ml में कन्वर्ट कर देते। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस SOx ऑक्यूपाइज दिस लीटर एट STP, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द गैस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब कोई SOx गैस है, ठीक है, जिसका 16 ग्राम हमें दिया है, वेट दिया है, यानी कितना दिया है 16 ग्राम, और कह रहा है ये वॉल्यूम जो है गैस का कितना है 5.6 लीटर। तो जैसे पहले करा वैसे ही करो, 16 बाय वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसका कितना मान लो कि मान लो एक्स है, क्या है एक्स इसका ऑक्सीजन का, मतलब ये ऐसे है SOx ऐसे है, ठीक है, तो कितना हो गया, सल्फर का कितना होगा बताओ, सल्फर का 32 + 16 इसका एक्स, ये इसका क्या आ गया मॉलिक्यूलर वेट, इसे मॉलिक्यूलर वेट को मैंने यहां रख दिया 32 + 16x। क्लियर, 32 + 16x, यहां पे क्या है वॉल्यूम 5.6, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, इस तरीके से। अब एक्स की वैल्यू यहां से निकालनी है, कैसे निकालेंगे, ठीक है 4 पे चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, 6 4 = 24, 2 4 हो गया, तो 16/32 + 16x = 1/4, सोल्व करो थोड़ा, 16 × 4 = 32 + 16x, ये कितना आ गया 16 4 = 64 = 32 + 16x, तो 64 - 32 = कितना हो गया 16x, तो ये हो गया 32 = 16x, x की वैल्यू आ गई 2, क्या आ गई 2 आ गई, तो कौन सी गैस हो गई ये SO2 हो गई, क्यों x की वैल्यू हमने निकाल दी, x की वैल्यू है ये SO2 गैस हो गई। अब हमें बताना है x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू भाई 2 ही है, 2 इसमें है इसमें है, अब हमें क्या बताना है साथ ही साथ मोलर मास बताना है। अब इसका मोलर मास कोई नहीं निकाल सकता, निकाल सकते हैं कैसे, 32 + 16 × 2, तो 32 + 32 कितना हो गया 64, तो 64 ग्राम इसका वेट आ गया, और 2 x की वैल्यू आ गई, तो आंसर इसका ये आ गया, इस तरीके से सोल्व हुआ। क्लियर है, हाँ बस एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर उसके बाद क्लास खत्म करेंगे, ठीक है, फटाफट आ गया समझ में। देखो ये ऐसे हुआ कि हमें 16 ग्राम दिया आइडियल गैस, वेट हो गया इसका, ये वॉल्यूम दिया है 5.6 लीटर, ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास SOx का निकालना है क्योंकि SOx की हम बात कर रहे हैं, तो SOx का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 32 + 16 कितना इसका एक का x दे रखा है, तो x का कितना हो गया 16x, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट फॉर SOx, ये हमने यहाँ पे रख दिया इजिकल टू वॉल नंबर ऑफ मोल्स को एक और तरीके से निकालना सीखा था हमने कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, वॉल्यूम कितना है 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, इसे अब हमने सोल्व करा, सोल्व कर कर एक्स की वैल्यू निकाली 2, अब एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इसका मतलब गैस कौन सी हो गई SOx गैस थी, एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो कौन सी गैस हो गई SO2 गैस हो गई। अब SO2 गैस के लिए हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, मोलर मास कैसे निकलेगा, ये जो हमने फॉर्मूले में लिखा था 32 + 16 × x, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दो, रखो 2, 2 रखोगे क्या आएगा 32 + 16 × 2, यानी 32 32 + 32 ये आ गया 64,
तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूलर मास है आपका SOX गैस के लिए 64 आ गया और यहाँ पे X की जो वैल्यू है वो है 2। क्लियर, इस तरीके से हुआ है। हाँ अभी एक क्वेश्चन के बाद करेंगे, ये क्वेश्चन बताओ मुझे बस, ठीक है, इसके बाद छुट्टी हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन बताओ इसका क्या आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं कैसे होगा। क्या कह रहा है ये, परसेंटेज ऑफ, ये क्या है सेलेनियम, ये क्या है सेलेनियम है। मान लो कोई भी एक एटम है आपकी तरफ से, आपको अभी नहीं जानते हो सेलेनियम क्या है, मान लो कि अच्छा ये सेलेनियम है, कि परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन परोक्साइड परोक्सीडेज एनहाइड्रेस एंजाइम इज दिस, मतलब कि जो एसपी की परसेंटेज है इन परोक्सीडेज एंजाइम, ये एक एंजाइम है एक तरह का, ठीक है, तो कितना है 0.5% है, 5 वेट, और एटॉमिक वेट इसका है 78.4। तो हमें बताना है कि कितने मॉलिक्यूलर वेट होगा कम से कम परोक्सी एनहाइड्राइज का, ठीक है, यदि उसके अंदर 0.5% प्रेजेंट है। अब मान लो कि जो ये परोक्सीडेज है, परोक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम जो है, ये मान लो 0.100 ग्राम है पूरा, क्या है 100 ग्राम है, 100 ग्राम हमने लिया है, तो 100 ग्राम मतलब परसेंटेज प्रेजेंट है 0.5, तो 100 में कितना परसेंट प्रेजेंट होगा ये सेलेनियम, कितना होगा 0.5 ग्राम प्रेजेंट होगा, ये आया समझ में। मान लो कि परोक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वो 100 ग्राम है, तो उसके अंदर परसेंटेज में प्रेजेंट है, तो 0.5% प्रेजेंट है, मतलब 100 में से 0.5% वाला हिस्सा सेलेनियम का है परोक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम के अंदर, तो सेलेनियम कितना हो गया 0.5 ग्राम हो गया, क्या हो गया 0.5 ग्राम हो गया। अब आगे क्या कहता है कि इसका जो एटॉमिक वेट है वो इतना है, तो कम से कम मॉलिक्यूलर वेट बताओ कि परोक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम का क्या होगा। चलो तो 100 ग्राम PAE लिख देता हूं, PAE लिख देता हूं इसको शॉर्ट फॉर्म में, बार बार बड़ा ना लिखना पड़े, 100 ग्राम PAE में 0.5 ग्राम सेलेनियम है, ठीक है, 100 PAE में 0.5 ग्राम सेलेनियम है, तो हंड्रेड बाय 0.5 पीएई में 1 ग्राम सेलेनियम होगा, और पूरा जो मॉलिक्यूलर वेट है परोक्सीडेनाइजर कम से कम उसके अंदर एक पूरा मोल तो होगा एससी का, तो एक पूरा मोल एससी का होगा, तो 100 बाय 0.5 इंटू मल्टीप्लाई कर दो इसके एटॉमिक वेट से 78.4 पीएई होगा में 78.4 एसपी होगा, तो इसे करो अब सोल्व, ठीक है, एक पॉइंट से एक पॉइंट कटा, ये जाएगा 5128 मतलब कि 5 हो गया, ये 15 आगे 15 हो गया, फिर उसके बाद बचा यहाँ पे 3 34 6 पॉइंट 2 ये आ गया 15 156.2, इंटू 100 डेसिमल को इधर ले गए, तो क्या हो गया 1.562 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 100, तो क्या हो गया 1.56 इंटू 10 की पावर 8 कह रहा हूँ, 2 2 4 4 इतना हो गया 10 की पावर 4, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा इस तरीके से, क्लियर है। चलो सही है, तुम करेक्ट थी तो बढ़िया है, अच्छी बात है।
ठीक है, ये आंसर आएगा। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं जिससे दिक्कत है थोड़ी, कि ये कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ सेलेनियम बताओ, परऑक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम नाम का कोई चीज है, उसके अंदर 0.5% है। अब मान लो कि हमारे पास 100 ग्राम परऑक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम है, उसके अंदर सेलेनियम कितना होगा, जितना उसके अंदर परसेंटेज में परसेंटेज मतलब 0.5 ग्राम होगा। अब यदि 100 ग्राम में 0.5 ग्राम सेलेनियम है, तो 1 ग्राम सेलेनियम में 100/0.5 इधर हो गया, इतना होगा। अब अगर हम सेलेनियम की बात करें तो कम से कम 1 मोल सेलेनियम तो जरूर होगा, जिसका पर्टिकुलर परऑक्साइड एनहाइड्रेज एंजाइम में अंदर प्रेजेंट होना, एक एटम से तो कम नहीं होगा, तो उस तरह के बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से सोल्व करेंगे, 100/0.5 इंटू उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दे, तो जो अब आएगा वो मॉलिक्यूलर वेट आ गया इस पीएसी का, जिसके अंदर कम से कम 78.4 सेलेनियम होगा। क्या हुआ, 78.4 सेलेनियम होगा, क्योंकि कम से कम इतना मोल तो प्रेजेंट होगा ही ना, इतना मोल के कोरस्पॉन्डिंग तो ग्राम्स में प्रेजेंट होगा ही, इसलिए।